नाज़रीन वेलकम बैक भाई। डॉक्टर साहब, जो हमारी जो एक सेक्टर है जो सिगरेट्स है, इसका आप देखें हेल्थ पे भी बड़ा इफेक्ट है इसका, तो आप क्या समझते हैं इसके वाले से? जो गवर्नमेंट हर दफ़ा प्लान करती है कि टैक्स इस पर बढ़ाया जाए, तो इसको कैसे देखते हैं कि सिगरेट्स के ऊपर जो टैक्स बढ़ाया जाता है, कि ठीक है इसको कम रखना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट का देखना चाहिए, ये लोकल कैसे इसको देखते हैं? अच्छा, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इससे बात, मैं थोड़ा सा करंट डेटा डिस्कस करना चाहता हूँ। देखें, इस वक्त पाकिस्तान इकानोमी में जो ग्रेजुएट निकलता है हर साल, वो तो 5-6 लाख है। उनको जॉब मार्केट, जिनको जॉब मिलती है वो 50% है। अब सेम सिचुएशन जो अभी लेट्स एंड मैंने स्टडी देखी है, मैं डेटा मेरे पास है, हर साल पाकिस्तान में जो नौजवान 5 लाख लोग सिगरेट नोशी की लत में पड़ जाते हैं, ठीक है, उसमें दोनों मेल और फीमेल भी वापस। अब ये नंबर देखें हर ग्रेजुअली, और ये यूनिवर्सिटी से चीज़ें आ रही हैं। देखें खबरों में देखा, डिफरेंट यूनिवर्सिटी, क्या यूनिवर्सिटी दुनिया पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वहाँ लोग पकड़े गए हैं नशावर। तो ये सिगरेट से बढ़ के ऊपर की चीज़ें हैं, ठीक है। सिगरेट तो बेसिक थे, सिगरेट से अब हर साल तकरीबन 1,60,000 लोग सिगरेट की वजह से मर रहे हैं, ठीक है। और ये इम्पोर्टेड गुड्स है, अब इसको टैकल कैसे किया जाए? और ये तो बेसिकली फ्यूचर है पाकिस्तान, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो तो एसेट्स हैं हमारे, नौजवान लोग हैं, उनको कैसे टैकल किया? अब उनको टैकल किया कि पर उन्होंने हाईवे किस्म का टैक्स लगा दिया, ठीक है। अब जब टैक्स लगेगा, प्राइस उसकी बढ़ेगी, तो इकनॉमिक में सिंपल सा रूल है, जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होगी, लोगों की एक्सेस से बाहर होगी, तो लोग इसके यूज़ नहीं करेंगे। तो इट इज़ अ गुड थिंग, हमें ऐसे क्रिटिकल स्टेप लेने चाहिए जो हमारे लॉन्ग टर्म है, इससे हमारा। और ये सिगरेट इम्पोर्ट करते हैं, हमें इसकी इम्पोर्ट भी कम होगी, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में भी है, और हमारे जो नौजवान नस्ल है वो भी इससे बच सकेगी, और दोनों हमारे फ़ायदे होंगे, फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और हमारे नौजवान भी बचेंगे। तो आप डायरेक्टली तो गवर्नमेंट किसी को कह नहीं सकते कि आप इसको छोड़ दें, अब उसके लिए यही उसके पास पॉलिसी मैयन है, वो है टैक्सेस। तो अगर इस चीज़ इन चीज़ों पर टैक्स इंक्रीज़ किया जाए, तो मैं इसको बहुत ही फ़ायदेमंद समझता हूँ कि इसको हैवी से हैवी टैक्स करना चाहिए, और इससे हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, अगर लोग नहीं जाते वन साइड, वही रेवेन्यू से जनरेट करके दोनों पर स्पेंड किया जाए। दिस इज माई साइड। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा जो इकानमी की सूरत हाल है, उसमें जो FPR का जो रोल है बड़ा अहम है, आप कैसे देखते हैं कि जो मौजूदा जो स्ट्रक्चर है FPR का, क्या वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को सपोर्ट करता है या नहीं करता, या कैसे देखते हैं आप उसको? अच्छा, इसमें अब लकली इस वक्त पाकिस्तान में तीनों जो डिपार्टमेंट है, आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, उसका हमारा एडवाइज़र, ठीक है, फाइनेंस फीज़ पाशा साहब, फीज़ शेख, और दूसरा हमारा स्टेट बैंक का गवर्नर, और तीसरा CBR का चेयरमैन शब्बर ज़ैदी। अब देखें दी, ये तीनों जो लोग हैं हाई प्रोफेशनल लोग हैं, अब इन्होंने बेसिकली ये नो ईच एंड एवरी थिंग। अब इन्होंने क्या किया बेसिकली, अगर पाकिस्तान इकानमी की बात करें तो पाकिस्तान इकानमी में 50% ऑलमोस्ट आपकी डॉक्यूमेंट इकानमी है, और 50% आपकी अनडॉक्यूमेंट इकानमी, ब्लैक इकानमी, हिडन इकानमी है, और वो हमारे टैक्स से बाहर हैं, जो अपने रिसोर्सेज हमें शो नहीं करते। अब ये जो रजीम आया है, इसमें होप है कि ये जो तीनों बैठे हैं, और अभी उसके बाद नादरा ने भी पिछले दिनों बड़ा अच्छा किस्म का डेटा रिलीज़ किया, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, तो उससे ये इन्फॉर्मेशन जनरेट करके जो लोग अन टैक्सेस हैं ना, ठीक है, टैक्स नहीं है, उनको टैक्स ब्रैकेट में लाएंगे। आपने बेसिकली यू आर गोइंग टू इन एक्सपेंड योर बेस, ठीक है, जब बेस बढ़ेगी तो अब इकानमी में बहुत पोटेंशियल है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल बढ़ाया है, मैं जो हर जो इकोनॉमिस्ट है वो ये कह रहा है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन उसकी की जाए, इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेड बनाया जाए और उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाए, तो क्या आप समझते हैं जो टैक्स डिपार्टमेंट है, जो FBR है, क्या वो इस पर काम कर रहा है, और कर रहा है तो किस हद तक? देखिए, काम तो बड़ी देर से लोग है, गवर्नमेंट्स के ये हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशन हैं, काम तो होता रहता है, लेकिन क्या वो काम जितनी हमें ज़रूरत है उस रफ्तार से हो रहा है या उसमें सुस्ती है? तो उस तरह जितना हमें ज़रूरत ही थी, जितने नीड्स ऑफ टाइम, वो नहीं काम हुआ। अब हम होप कर रहे हैं, देखें तो अगर ये करते हैं उसको, तेज़ी से काम करते हैं उसको, तो ये होपफुली अभी जिस तरह वो ऐसा डिक्लेरेशन स्कीम आई है, उसमें भी यही है कि लोगों को फिगर आउट किया जाए, लोगों को इस डॉक्यूमेंट डेटा उनको कलेक्ट किया जाए, उनके पास कितने रिसोर्सेस हैं और वो किस तरह इकानमी से टैक्स से बचे हुए हैं। देखें चीज़ें वो गवर्नमेंट की यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारी सड़कों पर रश है बहुत ज़्यादा, गाड़ियाँ बहुत, तो ये क्या गवर्नमेंट कब तक इनको फैसिलिटेट करती रहेगी? और इनको एक दिन टैक्स ब्रैकेट में आने हैं। तो इस वक्त जो हालात देखा जाए तो गवर्नमेंट को इस पर बड़े कंक्रीट स्टेप लेके इनको फ़ौरन इस ब्रैकेट में लाएँ,
और जो इनसे टैक्स कलेक्ट करने हैं उन लोगों के पास खर्च करें, दो ये पिन को। अच्छा, एक डॉक्टर साहब एक बड़ा अहम जो इसके अंदर चीज़ है वो जो कुछ लोग कहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के भी लोग, बाकी लोग भी कहते हैं कि FPR का महकमा है, टैक्स का डिपार्टमेंट, सारे उसमें करप्शन का एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से जो इकॉनमी, जो चाहे उसकी डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो, वो सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। क्या आप समझते हैं कि जो करप्शन है वो भी एक बड़ा इशू है या बाकी और भी इशूज़ हैं? देखें, ये तो डेटा जो बताता है, लास्ट टाइम देखें हम बिहेवियर देखें, कॉमन ऑब्जर्वेशन देखें, तो करप्शन काफ़ी हम ज़रा पूरी दुनिया में इस जाने जाते हैं, ठीक है, लूप होल तो हैं इसमें, ठीक है। अब वो कितने लूप होल, वो जो स्पेसेस हैं कितनी जल्दी आपने ख़त्म करनी है, ये डिपेंड करने का पॉलिसी मेकर और इंस्टीट्यूशन के कमिटमेंट पे, जो वो लोग वहाँ ऊपर हेड बैठे हुए हैं। ये तो करप्शन के तो प्रॉब्लम हैं हमारे पास काफ़ी, मैं तो फील करता हूँ कि अब तो ये काफ़ी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं चीज़ें, आपको इसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको टैकल करना होगा। अब वो कैसे टैकल किया जाए, दिस इज़ द गवर्नमेंट विन। अब देखेंगे, अगर पुलिस की बात करूँ तो एशिया, ये जो सात कंट्री, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, यहाँ सारी जो पुलिस डिपार्टमेंट, इसमें काफ़ी लोगों के रिजर्वेशन हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम शोबा है जैसे बेसिक यूटिलिटीज ऑफ लाइफ होती हैं, अब तो मोबाइल फ़ोन भी एक बेसिक नेसेसिटी बन गया। राइट, बिल्कुल राइट। इस पे आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ने जो बजट के हवाले से क्या, अच्छा गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इस पर जो आप फ़ोन इम्पोर्ट्स करते हैं ना उस पर टैक्स फ्री कर दिया है, ठीक है। तो अब इसकी एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना, एवरीबॉडी कैन बाय, वो अपनी प्रोडक्टिविटी इस्तेमाल करेगा, ठीक है, उससे आपकी कम्युनिकेशन होगी और ये ट्रांजैक्शन में बड़ा हेल्पफुल होता है विद रिस्पेक्ट है। तो इसकी वजह से मैं कहता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये इंडस्ट्री इसको ठीक है लोगों की, लेकिन आप इससे आपका इंपोर्ट बिल तो बढ़ेगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, लेकिन उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना, दूसरे साथ है, ठीक है। आपकी ये भी देखें ना, आपने आज के दौर में स्मार्टफोन है, आप बैठे बैठाए आप आज चीज फ़ोन पर सेटल कर रहे हैं, अगर आप वहाँ से इंसेंटिव दे के घर बैठे हुए अपना काम ऑपरेट कर रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये भी तो एक आपकी कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी, तो उसकी वजह से आपके रेवेन्यू बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा डेफिनेटली, जब हम बेहतर होंगे तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अगला एक बड़ा अहम शोबा है पाकिस्तान का, रियल इस्टेट का। हाँ राइट, इसके हवाले से आप बताएं कि क्या जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज वगैरह आप समझते हैं कि बैलेंस हैं, या जो पिछली हुकूमतों की तरह ये भी अभी कभी कम कर देते हैं, कभी उस पर टैक्सेस ज़्यादा, ये वो, तो क्या कैसे देखते हैं रियल इस्टेट सेक्टर को? रियल इस्टेट डेफिनेटली इस गवर्नमेंट ने बड़ा उसको टारगेट किया है, जो जो बबल्स आता था उस बबल से लोग बैठे बैठे करोड़पति हो जाते थे, लाखों पति हो जाते थे, उनको उन्होंने डिस्कर्ज किया है, ठीक है। अब उसका वो लोग ऐसे करते थे कि लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री थी बकायदा प्रोडक्शन कर रहे थे, उन्होंने प्रोडक्शन बंद की, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया, दो चार साल होल्ड किया, फर्स्ट में 2-3 करोड़ का लगाया तो 2-4-5 साल बाद वो 5-6 करोड़ आया, उसको वहाँ से सेल किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और जो ये बैंक में डिपॉजिट करते उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं था, वो सारी ज़िंदगी बैठ के मज़े मज़े फ्री इनकम खाते थे। इस गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो ऐसा आपके फर्ज करें आप इस तरह करते हैं तो बैंक में होल्ड करते हैं, उसको उस पर भी टैक्स लगेगा, तो इट मीन इस तरह की जो फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन हैं जिसकी वजह से मार्केट में बबल्स आता है, ठीक है, फाइल वर्क हो रहा है, ठीक है, बेची जा रही हैं, तो उसके आर्टिफिशियल किस्म की डिमांड क्रिएट की जा रही थी, सप्लाई तो फिक्स है, तो उसकी वजह से जो मार्केट में एक जो साइंस जाते थे ना वो बड़े मयूस कौन थे, ठीक है, तो आर्टिफिशियल किस्म के प्राइसेस बढ़ जाना, तो उसकी वजह से आप जो गवर्नमेंट जब इसको टारगेट करेगी तो जो ट्रांजेक्शन है ना वो कम से प्रॉपर होंगी। अरे डॉक्टर साहब, अगला मेरा जो क्वेश्चन है वो सैलरी क्लास के हवाले से, जो सैलरी क्लास है वो तो ऑलरेडी बेचारी बड़ी पिस रही है, इन्फ्लेशन हो, बाकी चीज़ें भी हो, तो आप समझते हैं कि कुछ जो सैलरी क्लास है उसको कुछ रिलीफ मिला है या क्या इस बजट? लेकिन उन्होंने ग्रेड 1 से 16 तक तो रिलीफ 10% इंक्रीज़ किया है, ठीक है, लेकिन ऊपर देखें ग्रेड 21 से 22 ऊपर वाले उन्होंने कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया, ठीक है, इस तरह फौज के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो फिक्स रहे हैं, नो चेंज, ठीक है, जो आपकी मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनकी सैलरी भी एज कुछ कमी की है, तो ये एक साइन है सेक्रीफाइस, इस वक्त जो इकनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की इसमें हमें थोड़ा सा टॉलरेट करना चाहिए और वी हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग, क्योंकि कौमों पर वक्त आते रहते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया की कोई भी कौम उठा के देख लें, ये क्राइसिस किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उन पर ये आए हैं, और अब उन्होंने इसको कैसे टैकल किया, ये हमारा गवर्नमेंट और हम सारे मिल के काम करेंगे
तो ये चीज़ें अल्टीमेटली बेहतर है। उसके लिए एक पॉइंट जो मैंने, हमारी जो कंजम्पशन है ना, जैसे कि अगर हम इम्पोर्टेड गुड्स को थोड़ा सा कंट्रोल करें, इम्पोर्ट कम करें, डोमेस्टिक गुड्स की कंजम्पशन इंक्रीज़ करें, तो इससे हमारा वो एक्सचेंज रेट भी मसला हल हो जाएगा और हमारी इंडस्ट्री भी प्रमोट होगी। हमारे लोगों को जब इनकम मिलेगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा जो अगला है, आप जो हमारा सेगमेंट जो है वो है ऑयल एंड गैस के हवाले से। मुझे बताएं, ऑयल एंड गैस के हवाले से गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या रिलीफ रखा है, या क्या आप समझते हैं उनकी क्या पॉलिसी है, या क्या रिफ्लेक्शन नज़र आता है इस बजट में? देखें, ऑयल की हमारे ज़्यादातर ऑयल हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ऑयल की प्राइसेस का। ठीक है, जिस तरह भी हम सब्सिडाइज करते रहे, गवर्नमेंट बारोकार के इसको सब्सिडाइज करती रहे, ठीक है, एट द एंड आपको फिर पे ही करना पड़ता है। तो मैं देखता हूँ, तीन तरह का इन्फ्लेशन होता है। एक होता है डिमांड साइड इन्फ्लेशन, एक होता है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, एक होता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन मीन कि हम बाहर से जो ऑयल करते हैं ना इम्पोर्ट, उस पर हमें, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें सेट होती हैं, प्राइसेस हमने वही पे करनी है। तो मेरा ख्याल, जो मेरा पर्सनल राय है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको ज़रा ना जाने दें, क्योंकि हम यूज टू हो गए हर वक्त सब्सिडाइज सब्सिडाइज, वो गैप जो हमारा है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो बढ़ता जा रहा है। तो अच्छा, कब तक बढ़ता रहेगा? जी डॉक्टर गुलाम सिकी साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। हमारा जो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जाता है। नाज़रीन, अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद रज़ा को यहाँ इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में हम एक नए मौजू के साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।